my face and very aggressively said, "Madam, is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not?" About 5 times. So I said, "Look, Kashmir has never been an integral part of India." देश विरोधी वो भाषण जिसने बढ़ा दी अरुंधति रॉय की मुश्किलें। एलजीबी के सक्सेना ने यूएपीए के तहत केस चलाने की दी मंजूरी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला विस्तार से। दिल्ली एलजीबी के सक्सेना ने शुक्रवार को लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ कश्मीर पर उनकी टिप्पणियों को लेकर 2010 में दर्ज एक मामले में आतंकवाद विरोधी कानून, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। अरुंधति रॉय और हुसैन पर 21 अक्टूबर 2010 को दिल्ली के कॉपरनिकस रोड पर मौजूद एलटीजी ऑडिटोरियम में आजादी द ऑर्ली वे के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। भड़काऊ भाषण देने के आरोप, राज्यपाल कार्यालय ने कहा, अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन ने 21 अक्टूबर 2010 को नई दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में आजादी द ऑर्ली वे के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे। सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई और बात की गई, उनमें कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रोपेगेंडा शामिल था। भाषण देने वालों में सैयद अली शाह गिलानी, एसएआर गिलानी, अरुंधति रॉय, डॉक्टर शेख शौकत हुसैन और माओवादी समर्थक वरवर राय भी शामिल थे। आजादी द ओनली वे के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन के दौरान अरुंधति रॉय ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जर्नलिस्ट, टीवी जर्नलिस्ट स्टक अ माइक इन माय फेस एंड वेरी अग्रेसिवली सेड, "मैडम, इज कश्मीर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और नॉट? इज कश्मीर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और नॉट?" अबाउट 5 times. सो आई सेड, "लुक, कश्मीर हैज नेवर बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. However aggressively and however often you want to ask me that, even the Indian government has accepted in the UN that it's not an integral part of India." सामाजिक कार्यकर्ता ने दर्ज कराई थी एफआईआर। 21 अक्टूबर 2010 को दिए भाषणों को लेकर कश्मीर के सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित ने 28 अक्टूबर को प्रेस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद रॉय और हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वीके सक्सेना ने केस चलाने की दी थी अनुमति। बता दें कि अक्टूबर 2023 में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने अरुंधति रॉय और पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए के साथ ही विभिन्न धाराओं जिनमें 153 ए, 153 बी और 505 के तहत केस चलाने की अनुमति दी थी। कौन है अरुंधति रॉय? दिल्ली में एलटीजी ऑडिटोरियम में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार हुई अरुंधति रॉय एक लेखिका के साथ साथ एक एक्टिविस्ट भी है। साल 1997 में अरुंधति रॉय को अपनी किताब द गॉज ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज भी मिल चुका है। यह उनका पहला उपन्यास था। इसे पाने वाली वे पहली भारतीय महिला हैं। नोबेल पुरस्कार के बाद बुकर प्राइज को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। साल 2014 में रॉय को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम 100 की सूची में शामिल किया गया था। अरुंधति लेखक की दुनिया में आने से पहले सिनेमा में भी काम कर चुकी है। साल 1988 में उन्हें बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है।